हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुजाता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेबी फूड रेसिपी। ये जो रेसिपी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी, ये वाला रेसिपी आप 9 to 12 मंथ्स के बच्चों को दे सकते हैं बिना झिझक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए इस तरह से, और फिर मैंने एक स्पून लिया है और एक स्पून मूंग दाल लिए मैंने, और वही स्पून से 4 चम्मच बासमती राइस लिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा राइस रहेगा उतना अच्छा टेस्ट आता है, और बासमती राइस अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो बच्चे जल्दी खाते हैं। इसके बाद आप इसे 3 से 4 बार इसे अच्छे से वॉश कीजिए इस तरह से। इसके बाद मैंने एक आलू लिया है, क्योंकि अभी 9 मंथ्स है तो बेबी का वेट गेन होना चाहिए, तो आलू से बच्चे का जो वज़न है वो जल्दी बढ़ता है, इसीलिए मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप पील कीजिए और फिर उसके बाद कट कीजिए। इतना सारा तो मैं आलू नहीं डालने वाली हूँ, थोड़ा सा इसमें से हाफ मैं यूज़ करूँगी। आलू से खिचड़ी जल्दी बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि आलू का जो टेस्ट है बहुत ही ऑसम टेस्ट है। इसके बाद गैस ऑन कीजिए और उसके ऊपर कुकर रखिए और रेसिपी बनाना चालू कीजिए। सबसे पहले तो ज़रा सा आप घी यूज़ कीजिए इसके अंदर इस तरह से, फिर घी को थोड़ी देर पकने दीजिए। घी अभी पूरी तरह से पक चुका है। इसके बाद आप दाल और चावल जो वॉश करके रखे थे वो ऐड कीजिए इस तरह से, और थोड़ा सा सॉटे कीजिए घी के अंदर। इसके बाद आप आलू डालना चालू कीजिए, थोड़ा सा आपको हाफ आलू इसमें डालना है, उसके बाद उसे भी सॉटे कीजिए। उसके बाद पानी ऐड कीजिए। थोड़ा सा आप इसे सॉटे कीजिए। इसके बाद ज़रा सा हल्दी डालिए। हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप बचपन से ही हल्दी डालना चालू करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्वाद अनुसार नमक डालिए। इसके बाद 3 से 4 वेसल होने दीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए इस तरह से। ये देखिए पक चुका है, अभी इसे अच्छे से ग्राइंड कीजिए। इसके अंदर थोड़ा पानी भी डालिए और फिर अच्छे से ग्राइंड कीजिए। एक अच्छा पेस्ट बनाना है ताकि बच्चा अच्छे से खा पाए। एक अच्छे से पेस्ट बनाइए इस तरह से। थिकनेस आप अपने बच्चे के लिए बढ़ा सकते हो जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाएगा। अभी मेरा बच्चा 9 मंथ्स का है तो मैंने ये थिकनेस रखी है, ये देखिए। इसके बाद आप अपने बच्चे को फीड कीजिए। सबसे पहले तो उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे खिलाते जाइए तो खा लेते बच्चे। टीवी दिखाते दिखाते आप इन्हें खिला सकते हो इस तरह से। ज़रा ज़रा गैप लेके आप खिलाइए, बहुत अच्छे से खाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे एंजॉय करके खाएंगे। फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे बताइए।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।